जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और इत्तेफाकन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को अपने संबोधन में परिवारवाद पर हमला बोला। मोदी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस चेहरे पर गौर कीजिए, यह हैं जय शाह, अमित शाह के बेटे। जय शाह किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव या सांसद नहीं है, आगे वो भी हो जाएंगे। ये BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल में एक बहुत ही अहम अधिकारी हैं। जब ये बैठते हैं तो इनके आसपास तमाम बड़े खिलाड़ी सिर झुकाए खड़े रहते हैं। मोदी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, अमित शाह के बेटे होने के अलावा क्रिकेट में इनकी क्या खूबियां हैं? जब आप परिवारवाद पर हमला बोलते हैं तो मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं इस शख्स की तरफ, अमित शाह के बेटे की तरफ। मुझे समझाइए, इनकी कौन सी काबिलियत, कौन सी क्षमता थी जिसके चलते आपने इन्हें BCCI में जगह दे दी? मुझे सवाल का जवाब दीजिए। जब आप परिवारवाद पर हमला बोलते हैं तो आपकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। भूल जाइए राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह विधायक है, भूल जाइए स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा का बेटा प्रवेश साहिब सिंह जो अनाप शनाप बयान देता है वो सांसद है, अनुराग ठाकुर जो कि आपके मंत्री हैं उनके पिता भी राजनेता रहे। मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं। मुझे बताइए अमित शाह के बेटे BCCI में क्या कर रहे हैं? और फिर आप परिवारवाद पर हमला बोलते हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कार्यकर्ताओं को अपने संबोधन में परिवारवाद पर किस तरह से हमला बोला है और कहीं ना कहीं उसी के चलते ये उंगली उन्हीं पर है। क्या कहा प्रधानमंत्री ने? देश के युवा अब यह समझने लगे हैं कि किस तरह परिवारवादी लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वाली ये पार्टियां संविधान और सांवैधानिक व्यवस्थाओं को भी नहीं समझती। ऐसी पार्टियों से आज भी हमारे कार्यकर्ता अन्याय, अत्याचार और हिंसा के खिलाफ लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ लड़ रहे हैं। मैं आपकी इस बात पर गौर करना चाहता हूं, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वाली ये पार्टियां संविधान और सांवैधानिक व्यवस्थाओं को भी कुछ नहीं समझती। दो संस्थाओं पर गौर कीजिए मोदी जी, चुनाव आयोग और मीडिया। सबसे बदतर हालत किसके कार्यकाल में है इन दोनों संस्थाओं की, यह जवाब आप भी जानते हैं। 2014 से पहले मैं जिस चैनल का हिस्सा था उस चैनल में बतौर पत्रकार मैं डंके की चोट पर उस वक्त की मनमोहन सिंह सरकार की आलोचना करता था और मुझे सरकार कभी कटघरे में नहीं रखती थी। मैं लालू प्रसाद यादव से सवाल करता था मगर लालू प्रसाद यादव कभी मेरे संपादक को शिकायत नहीं करते थे कि तुम्हारा पत्रकार मुझसे किस तीखे अंदाज में सवाल कर रहा है। और आज की मीडिया सिर्फ आपकी पिछलग्गू नहीं है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट उगाही का काम नहीं कर रही है मोदी जी, वो इस समाज के अंदर दंगे भड़काने का काम कर रही है, वो समाज को एक जेनोसाइड की तरफ ढकेल रही है, वो कहीं ना कहीं रेडियो रवांडा का काम कर रही है। हिटलर के जमाने में जो उसका प्रचार मंत्री था गिबल्स, जिस तरह से वो प्रचार पर काबू पाता था, जहरीले फिल्में करता था, आज वही हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मोदी जी, जब आप संवैधानिक संस्थाओं की बात करते हैं तो क्या आपका ध्यान चुनाव आयोग की तरफ जाता है? हाल ही के चुनाव देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता लगातार कोरोना को लेकर धज्जियां उड़ाते रहे, उन पर कभी FIR दर्ज नहीं हुई, उल्टा भूपेश बघेल डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं, आपने उन पर FIR कर दी। और आप बात कर रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं की, बताइए इन संस्थाओं पर गौर कीजिए, CBI, इनकम टैक्स, ED, NIA, मुझे बताने का प्रयास कीजिए ना, अभी हाल ही में इन दो चेहरों संजय राउत और आम आदमी पार्टी में मंत्री सत्येंद्र जैन पर ED ने अपना दबदबा बनाया है, उनकी संपत्ति कुर्क कर ली है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईडी ने क्या किसी BJP नेता पर एक छोटी सी भी शुरुआती जांच के आदेश भी दिए हैं?
कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, मगर आप की जो नजरें इनायत हैं वो विपक्ष के नेताओं पर होती हैं। मैं इस मुद्दे में जाना ही नहीं चाहता हूं कि उनका गुनाह है या नहीं है, अधिकतर ईडी के केसेस में गुनाह सामने ही नहीं आता है, मगर मैं आपको कहने का क्या प्रयास कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ यह बतलाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब आप बीजेपी के स्थापना दिवस में खड़े होकर बात करते हैं कि परिवारवाद देश को खा रहा है, तो आपको पलटकर खुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि आपकी अपनी पार्टी में किस तरह के परिवारवादी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने पार्टी में शामिल किया, अब आपके मंत्री हैं, क्या मुझे आपको बतलाने का प्रयास करना पड़ेगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता किस पॉलिटिकल पार्टी में नेता थे? बताइए, उनकी बुआ किस पॉलिटिकल पार्टी में हैं? वसुंधरा राजे सिंधिया किन राजमाता की बिटियां हैं जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं? जितिन प्रसादा कांग्रेस से आए, छलांग लगाई आज की तारीख में बीजेपी में है, क्या मुझे बतलाने का प्रयास करना पड़ेगा कि कांग्रेस के किस स्वर्गीय नेता के बेटे हैं? आप तो कांग्रेस के जो परिवारवादी हैं उन्हें शामिल कर रहे हैं, और आप आज की तारीख में परिवारवाद की बात करते हैं? आगे और क्या कहा प्रधानमंत्री, मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री कहते हैं, केंद्रीय स्तर पर और अलग अलग राज्यों में कुछ राजनीतिक दल हैं जो सिर्फ अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। परिवारवादी सरकारों में परिवार के सदस्यों का स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक में दबदबा रहता है। ये लोग भले ही अलग अलग राज्यों में हों, लेकिन परिवारवाद के तार से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के भ्रष्टाचार को ढककर रखते हैं। आगे क्या कहते हैं प्रधानमंत्री, परिवारवादी पार्टियों ने देश के युवाओं को भी अभी कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, उनके साथ हमेशा विश्वासघात किया है, और आज हमें गर्व होना चाहिए कि भाजपा ही ऐसी इकलौती पार्टी है जो इस चुनौती से देश को सजग कर रही है, सतर्क कर रही है। प्रधानमंत्री, जब आप ये तमाम बातें कहते हैं ना, तो आपकी इन बातों को चुनौती देने वाला ही कोई नहीं है। विपक्ष कहेगी एक अलग मुद्दा है, मगर ये काम होता है मीडिया को कि आपकी इस गलत बयानी का पर्दाफाश करे, मगर कोई उस वैसा नहीं करने वाला है। प्रधानमंत्री, आपका एक एक शब्द यथार्थ और सच्चाई की जमीन पर नहीं टिकता, मगर आप इतने आत्मविश्वास से ये तमाम चीजें इसलिए कह देते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपके सामने कोई पत्रकार खड़े होकर आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा। न्यूज क्लिक ये तमाम सवाल हमेशा करता रहा है और करता रहेगा। आप जब परिवारवादियों पर हमला बोल रहे हैं तो आपका इशारा इन तीन चेहरों की तरफ है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी। राहुल गांधी की आपने छवि इस कदर अपने प्रचार तंत्र के जरिए बर्बाद कर दी है कि अधिकतर जनता जो है उनके मन में उनकी छवि को लेकर कई सवाल हैं। खुद राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे पप्पू बुलाया जाता है। हकीकत यह है, मैं आपको बताता हूं, जब तक गांधी परिवार कांग्रेस में बना हुआ है, आप जानते हैं कि आप लगातार कांग्रेस पर हमला बोल सकते हैं। उल्टा मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जिन परिवारवादियों पर आप हमला बोल रहे हैं मोदी जी, वो सही मायने में आपकी ताकत है, क्योंकि फिर आपने राहुल गांधी के बारे में जो प्रचार किया है, उसकी जो छवि बना दी है, उस छवि को आप बार बार भुनाकर वोट्स हासिल करने का प्रयास करते हैं। अगर ये परिवारवादी गायब हो जाएं, तो सही मायने में आपको विपक्ष से चुनौती मिलेगी। हकीकत यह है मोदी जी, इसके अलावा कुछ नहीं। मोदी जी, आप न्याय की बात करते हैं, क्या आप मुझे बतलाने का प्रयास कर सकते हैं कि इन दो चेहरों में फर्क क्यों है? एक चेहरा है मोनू मिश्रा का, जिनके बारे में एक वीडियो सामने उभर कर आया था कि इन्होंने कथित तौर पर 4 किसानों को रौंद के मार दिया, और दूसरी तरफ गौतम नवलखा जो जेल में है। गौतम नवलखा ने सिर्फ ये मांग की थी कि मुझे पीजी वुडहाउस की किताब दे दीजिए पढ़ने के लिए, उसे सुरक्षा में खतरा बताकर नहीं दिया गया। मगर मोनू मिश्रा, उसकी बेल का विरोध आदित्यनाथ सरकार नहीं करती, कहते हैं कि यह फ्लाइट रिस्क नहीं है, इनसे गवाहों को कोई खतरा नहीं है, जबकि हम देख चुके हैं कि उनकी महिंद्रा थार से क्या कमाल हो सकता था। सबसे शर्म की बात यह है कि आदित्यनाथ सरकार ने उनकी बेल का विरोध नहीं किया।
जबकि आपकी अपनी FIR में कहा गया था कि किस तरह से उनके पिता और बेटे ने साजिश रच के किसानों पर निशाना साधा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं ना, जब आप न्याय अन्याय की बात कर रहे हैं तो जो न्याय के दो पैमाने दिखाई दे रहे हैं उसमें फर्क क्यों है? मैं आपको बताता हूं, मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस 41 साल हो चुके हैं। अटल जी ने एक बार संसद में खड़े होकर कहा था कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर ये देश बने रहना चाहिए। उनके कहने का मकसद ये था कि पार्टियों में मतभेद इस कदर नहीं हो जाना चाहिए कि वो दुश्मनी की हद तक आ जाए, और वो दुश्मनी इस कदर बढ़ जाए कि देश हित कहीं छुप जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज की तारीख में जो कड़वाहट है, जिस तरह की कड़वाहट भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी दलों के लिए पैदा की है, क्या किसी तरह की कोई राजनीतिक आम सहमति बीजेपी और कांग्रेस या बीजेपी और विपक्षी दलों में हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि आपने पूरे खेल को पलट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता को यह बतलाने का प्रयास किया है कि अगर आप बीजेपी के साथ हैं तो देशभक्त हैं, अगर आप मोदी जी का विरोध कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान चले जाएं। तो इस तरह की सोच आप बरपा रहे हैं देश की जनता पर। आपने राष्ट्रवाद और देशभक्त जैसे मुद्दों का मजाक बनाकर रख दिया है, सिर्फ इसलिए ताकि आप सत्ता में बने रहें। आज मैं पूरी शालीनता से आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मोदी जी, जब आप न्याय की बात करते हैं तो क्या आपके जहन में तमाम चीजें सामने उभर कर आती हैं कि आपने देश की व्यवस्थाओं के साथ, सांवैधानिक संस्थाओं के साथ किस तरह का मजाक किया है? आप आने वाले कई सालों तक सत्ता में बने रहेंगे, मगर जो आप नुकसान कर रहे हैं देश की संस्थाओं का, उसका नुकसान देश भुगत रहा है और आने वाले दिनों में और भी बुरी तरह से भुगतने वाला है। मगर इस मंच पर मैं तो सवाल उठाते रहूंगा और आगे भी उठाते रहूंगा, यह मेरा वादा है। नमस्कार।